नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मिस्टर इंडियन वॉइस में। तो आज की वीडियो है अबाउट अ कार। कार मतलब कि कोई भी कार। जो मेन टॉपिक है वो है PDI ऑफ अ न्यू कार। आप कोई भी कार लेने जाते हो, कैसे भी कार लेने जाते हो, तो सबसे पहले आप उसकी PDI कर लो, या तो आपके यहाँ पे कोई सर्विस हो PDI वाला तो वहाँ से उसे PDI करा लो। PDI में क्या है कि कभी भी गाड़ी जब आप कोई भी डीलर के पास बुक करने चाहते हो, कोई भी डीलर के पास जाते हो, कैसी भी गाड़ी, कोई भी टाइप की गाड़ी, चाहे वो 5 लाख की हो, 8 लाख की हो, 10 लाख की हो, 50 लाख की वगैरह, कई भी गाड़ी, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको पूरी अमाउंट नहीं देनी है। दूसरी चीज़, आपको खाली देनी है ओपनिंग अमाउंट, यानी कि जो टोकन बोलते हैं उसको, 11,000 दो, 21,000 दो, वगैरह वगैरह, जैसा भी आपको ठीक लगे। पूरी अमाउंट कभी मत देना। फिर डिलीवरी के टाइम जब आपको डीलर का फ़ोन आए कि सर आपकी गाड़ी रेडी है, आप फुल पेमेंट कर दो, उसके बाद आप अपनी गाड़ी ले जाओ, नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले आप उसको बोलना कि मुझे मेरी पर्सनल PDI करनी है, उसी के बाद मैं पेमेंट दूंगा। गलती से भी ये मत करना, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि वो कोई भी आपको गाड़ी चिपका सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स होती है चाहे कोई भी गाड़ी लो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा PDI एक नवी गाड़ी की कैसे की जाती है, हो सका उतने सारे पॉइंट्स में कवर करूंगा। ये वीडियो लंबी होने वाली है और पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से देखना। अगर आप नवी गाड़ी ले रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एकदम ध्यान से सुनना, देखना मैं क्या क्या चीज़ें कवर अप करूंगा। उससे आपको काफ़ी सारी सेफ्टी हो सकती है, आपके काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, PDI करे बिना गाड़ी मत लेना, मत पेमेंट करना डीलर को। कोई भी डीलर चाहेगा नहीं, मतलब ठीक है डीलर्स काफ़ी अच्छे भी होते हैं, और कई चीज़ ऐसी भी होती है कि वो लोग आपको घड़ी, जो भी गाड़ी होती है वो चिपका देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना हो कि पूरी गाड़ी के अंदर कहीं भी कलर का कोई इशू ना हो। कभी भी कलर का इशू होता है या तो रीपेंट की जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ का पूरा रिफ्लेक्शन मेरी गाड़ी में पड़ रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई कलर नहीं किया हुआ है। अगर समझो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा इतने एरिया में, मतलब समझना वहाँ पर कलर किया गया। तो पूरी गाड़ी के अंदर आपको हर जगह से कलर चेक करना है, ये भी चेक करना। मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी तो मैंने इसको यहाँ पे साफ कराया था। ऊपर नीचे आगे पीछे से सब जगह से आपको कलर चेक करना, और स्पेशली यहाँ पे किसी को खड़ा रख के रिफ्लेक्शन हर एक जगह का आप चेक कर लीजिएगा, ताकि कि आपको मालूम पड़े कि मेरी गाड़ी में कोई न्यू पेंटिंग कुछ नहीं हुई है। उसके बाद जो सेकंड जो ऑप्शन है वो है इसका कि डेंटिंग या पेंटिंग। डेंटिंग कैसा है, अगर आप ऐसे हाथ लगाओगे यूं ऐसे, तो कभी भी देख लेना आजू बाजू से कि कहीं दबा हुआ ना हो। ये देखिए जैसे ये दबा हुआ, पर ये मेरी गाड़ी का जो है वो परफेक्ट लुक है। तो कभी भी ऐसे ध्यान से एक एक चीज़ चेक करनी चाहिए कि कहीं से मेरी गाड़ी दबी हुई तो नहीं है। यहाँ से आपको पूरी की पूरी चीज़ मैं तो फास्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरी गाड़ी की PDI में कर चुका हूँ। आपको ये चीज़ एकदम ध्यान से, और अपने दोस्त को साथ में लेके जाइए, या तो अपने रिश्तेदार को या किसी को भी साथ में लेके जाइए, जो भी एकदम परफेक्ट वो भी चेक करे और आप भी चेक करो। सो गाइस, उसके बाद जो चेक करना है वो करना है टायर का साइज़। जितने भी टायर है ये, जैसे ये सब कुछ सारे के सारे टायर सेम ही साइज़ के होने चाहिए। इसका जो आप स्टेपनी देखोगे, स्टेपनी का टायर जो है वो हमेशा अलग ही रहेगा। उसके बाद आपको आपके डीलर से, जो PDI पर्सन है या उससे, आपको उसका चेसिस नंबर या तो VIN नंबर आपको मांग लेना है। चेसिस नंबर और VIN नंबर आपको गाड़ी के या तो इंजन पे दिख जाएगा, या तो आपको गाड़ी के कहीं भी साइड में दिख जाएगा। आप जब भी वो चेक करो उसका फ़ोटो ले लेना, क्योंकि डिलीवरी के टाइम ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी दूसरी आ जाए आपके हाथ में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे मेरी गाड़ी का जो चेसिस नंबर है वो यहाँ है, इधर लगा हुआ है, और यहाँ पे इंजन बे भी होता है इसके बोनेट के अंदर। आपको VIN और चेसिस नंबर, ये चीज़ का ध्यान रख के इसका फ़ोटो ज़रूर क्लिक करने का,
और यहाँ पे मेरा विन या चेचिस नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको चेक करने का है कि आपकी बैटरी जो है वो बैटरी प्रॉपर है कि नहीं है, लगी हुई है कि नहीं है। उसके बाद आपको आपके बैटरी का जो ऊपर नंबर लिखा होगा वो आपको साथ में फ़ोटो रखना है, क्योंकि ये भी साइड से चेंज हो सकती है। उसके बाद ये आपको बोनेट ओपन करके आपको इसके साइड के सारे प्लास्टिक पार्ट्स अच्छे से चेक करने हो कि यहाँ पे ये सब बराबर लगे हुए हैं कि नहीं है। आपको ये सारे पार्ट्स, सारे के सारे जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स हैं सारे आपको धीरे धीरे चेक करने हैं कि कोई उखड़ा हुआ तो नहीं है। कभी समझो आपको ऐसा लगे कि भाई यहाँ का उखड़ा हुआ है तो चलो हम ये इस चीज़ का देख लेते, अगर यहाँ का भी उखड़ा हुआ तो समझ लेना कि भाई वो ऐसा ही बना हुआ है। अगर यहाँ का नहीं है तो वहाँ का है तो आप वहाँ पे कंपनी में बोल सकते हो, आप ये छोटी चीज़ के लिए गाड़ी को रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप पूरा पैसा दे रहे हो, फ्री में गाड़ी नहीं ले रहे हो। यहाँ से आपको बोनेट भी चेक करना है कि यहाँ से कहीं डेंट वेंट तो नहीं लगा हुआ है। यहाँ से जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो सारी आपको चेक करनी है। आराम से, कोई उतावल मत करना, आराम से आप एक घंटा लो, डेढ़ घंटा लो, दो घंटा लो, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने खुद ने मेरी गाड़ी की PDI मैंने डेढ़ घंटे में कंप्लीट की थी, फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ आई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसे करके आपको पूरी गाड़ी का आपको प्लास्टिक का PDI कर लेना है कि कहीं से प्लास्टिक उड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद आता है बोनेट। बोनेट के अंदर आपको ये चीज़ का देखना है कि जैसे कि समझिए कभी वो टेस्ट ड्राइव लेते हैं, टेस्ट ड्राइव के अंदर समझो कि यहाँ से कुछ टूट गया, कि यहाँ पे कोई इफेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये लाइन देखना, ये लाइन इन्होंने ऐसी बनाई रहती है। ये लाइन अगर समझिए कि स्क्रू उन्होंने खोला बंद होगा तो ये लाइन का जो डायरेक्शन है वो पूरा चेंज हो जाएगा। ये लाइन का मतलब है कि ये वेल चेक्ड है और इसको कोई इशू नहीं हुआ है। प्लास्टिक में आपको ये भी सब कुछ एक एक चीज़ चेक करनी है। सो गाइस उसके बाद आते हैं चारों डोर की चेकिंग साइड से और पूरी अच्छे से। यहाँ से आपको ये देखना कि यहाँ से कोई रबड़ निकला हुआ तो नहीं है, यहाँ से कोई चीज़ उखड़ी हुई तो नहीं है। यहाँ से कभी भी प्रॉब्लम आती है तो ये देखें, यहाँ पे ये इशू आता है कई बार, ये रबड़ यहाँ से कभी कभी ऐसे निकला हुआ होता है। ये पूरी आपको ढंग से एकदम प्योर से चेकिंग करनी है, यहाँ से कोई गोबा तो नहीं पड़ा हुआ, कोई डेंट तो नहीं है। ये जो गैप है ये भी प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ से आप शांति से एक एक रबड़ आप चेक कीजिएगा, रबड़ में काफी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसे करके दोस्तों आपको सारी चीज़ें जो है वो आपको देख लेनी है डोर्स का। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप भी वैसे जाइएगा, या तो आप अपने हिसाब से भी चेकिंग कर सकते हैं। रबर्स जितने भी है सारे परफेक्ट होने चाहिए। यहाँ से जैसे ये प्लास्टिक है थोड़ा उखड़ा हुआ है, देखिए आपको यहाँ से प्रॉपर चेक कर लेने कहीं से डेंट तो नहीं है। ये रबड़ आपको स्पेशली चेक करना है, यहाँ से प्लास्टिक चेक कर लीजिएगा अंदर से। सो आपको ये गाड़ी का बटन भी चेक कर लेना है कि इससे गाड़ी बंद होती है, खुलती है कि नहीं। ये आपको दो ऐसी चाबियां मिलेगी, दोनों चाबियों को प्रॉपर चेक कर लेना। अब जैसे ये मैंने बंद किया तो ये जो इसका साइड मिरर था वो भी बंद हो गया। अब यहाँ से ओपन करता हूँ, ये साइड मिरर ओपन हो गया।
यहाँ से इसकी लाइट चेक कर लेता हूँ। ये देखिए इसकी हेलोजन लाइट जो भी है वो चालू हो गई, यहाँ से बंद कर दिया। और यहाँ से ये जो है ये इसका डिक्की चेक कर लेता हूँ, यहाँ से डिक्की दबाने के बाद ये खुलता है कि नहीं। यहाँ से ये डिक्की का थोड़ा इशू आ रहा है मेरे, ये डिक्की के इसके अंदर प्रॉब्लम आई है। सो दोस्तों ये तो थी इसके बाहर की पूरी चेकिंग के क्या क्या चेक करना है क्या क्या नहीं करना है। तो अभी इसके बाद जाना है हमें गाड़ी के अंदर कि भाई गाड़ी के अंदर क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लगभग तो मैं सारे पॉइंट कवर करूँगा, फिर भी देख लेते हैं। तो चलिए गाड़ी के अंदर अभी बैठ जाते हैं। गाड़ी बंद करें यार, गर्मी बहुत है। सो गाइस ये है गाड़ी का इंटीरियर। सबसे पहले हम चेक करेंगे गाड़ी का इंटीरियर। तो गाड़ी के इंटीरियर में क्या है, जैसे कि कई बार क्या होता है ये कई बार उखड़ा हुआ होता है। अब ये देखिए जैसे कि ये हमें पूरा का पूरा गाड़ी का इंटीरियर साइड से कोने से हर जगह से चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ये सब कई बार हैंडमेड गाड़ी होती है या फिर कई बार मशीनों से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ से जो इसके स्टेयरिंग वेयरिंग बटन जितने भी एक बार खाली ऊपर से ये चेक करना चाहिए, कुछ चीज़ निकली हुई तो नहीं है, ये चीज़ ये प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इंटीरियर यहाँ से इसकी ये गेट वेट पूरे प्रॉपर देख लेना है। अब मेरे क्या प्रॉब्लम हुई थी मैं आपको बताऊंगा अभी। आपको एक एक चीज प्रॉपर चेक करनी है पूरी की पूरी, गेट वेट सब बराबर है कि नहीं है पूरे। मेरे क्या प्रॉब्लम हुआ था, मेरे क्या था कि यहाँ से जो है ये पूरा बाहर आ गया था और यहाँ से जो है ये एकदम परफेक्ट था। तो मैंने इसको और इसको देख के पूरी की पूरी प्रॉपर रिपेयरिंग कराई। और दूसरा प्रॉब्लम मेरे ये आया था कि ये जो आप देख सकते हैं ये जो था ये मेरे बाहर उखड़ गया था। ये मैंने PDI के टाइम चेक नहीं किया, जब मैं घर पर लेके आया तब मैंने चेक किया था, मुझे आइडिया आया। आपको ये सारी चीज़ें जितने भी प्लास्टिक के अंदर है वो सब आपको एकदम बारीकी से चेक करना है। आप अपना मन चाहे उतना टाइम ले सकते हैं, कोई आपको कोई बोलने डीलर विलर कोई कुछ नहीं बोल सकता। इंटीरियर विंटीरियर पूरा प्रॉपर चेक कीजिए, कांच वाच प्रॉपर चेक कीजिए, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो उसके बाद अभी दूसरी चीज बताता हूँ। तो उसके बाद अभी हमें चेक करना है लॉक, ये चारों लॉक जो मैंने बंद किया ये प्रॉपर लॉक हुए हो गए भाई। अब उसके बाद चेक करना है साइड मिरर, ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। चलो मिरर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसको बंद करके देख लेते हैं। बंद करके बीच में लेके बंद किया, चलो मिरर भी प्रॉपर बंद हो गए, अभी इसको खोल भी देते हैं। अभी उसके बाद हमें चेक करना है इसके पावर विंडोज के बटन। जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे चेक करते जाइए, या तो आप वीडियो देख के अपने भी पॉइंट्स बना सकते हैं। पावर विंडो चेक किए, अभी दूसरे डोर पे जाके उसके भी पावर विंडो चेक कर लीजिए। ये मैंने लॉक किया हुआ, एक बार ओपन कर देता हूँ। चलो ये भी वर्किंग है। ये भी पूरे प्रॉपर वर्किंग है। उसके बाद ये देखना है कि भाई ये लॉक खोला, डोर खोल रहा है, खोल रहा है। किसका देख लेते हैं, वर्क कर रहा है।
वर्क कर रहा है। ये भी वर्क कर रहा है। और साइड में आपको चीज दिखाना चाहता हूँ, ये जो होता है, ये होता है चाइल्ड लॉक। अगर आप इसको इसको बंद करके यहाँ से ऐसे इसको लॉक कर देंगे तो कोई भी बच्चा अंदर से खोल नहीं पाएगा। बाहर से खुल जाएगा पर अंदर से नहीं खुल पाएगा। ये भी वर्क कर रहा है। चलो मेरे डोर लॉक तो सारे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैं चेक करना है ओडोमीटर। ओडोमीटर जब भी यार डिलीवरी लो, ये हमेशा 100 के नीचे ही होना चाहिए। अगर ये 100 के ऊपर गया मतलब गाड़ी का कुछ अलग टाइप से भी यूज़ किया गया है। कई बार क्या होता है, कभी भी वहाँ पे अगर किसी को टेस्ट ड्राइव देनी हो, कभी टेस्ट ड्राइव की अवेबिलिटी ना हो तो वो बोलते सर ये गाड़ी पड़ी आप चला लो। कभी भी 100 मीटर के ऊपर हो गाड़ी ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दो, उसको बोलो तुम ये गाड़ी किसी और को दो, मुझे नवी गाड़ी दो। अब चलिए इसके अंदर के बटन चेक कर लेते हैं। ये बटन डिक्की का है, चलो डिक्की वर्किंग। ये लॉक का है, ये लॉक नहीं होगा क्योंकि चाबी अंदर पड़ी है। ये लाइट का है, ये सामने ये जो इसको डिफॉग करने के लिए, ये यहाँ से आपको ये भी देखना है। इस चारों बाजू से लाइट का पहले आप देख लीजिएगा कि चारों बाजू से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो ये भी वर्क कर रहा है। अभी इसका देख लेते हैं लाइट। इसके अंदर आई थिंक लाइट का इंडिकेटर नहीं आता है। अब मैंने लाइट चालू की, आपको ये देखनी है भाई लाइट चालू हो रही है कि नहीं हो रही है। ये देखिए लाइट चालू है, मतलब ये लाइट भी वर्क कर रही है। उसके बाद आपको ये देखना है ये हैंड ब्रेक जो मैंने खींचा हुआ है, हैंड ब्रेक वर्क कर रहा है, हैंड ब्रेक की लाइट वर्क कर रही है। हाँ जी वर्क कर रही है। उसके बाद ये देखना वाइपर कैसे वर्क कर रहा है, वाइपर भी वर्क कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद अभी हमें देखना है कि अभी ये जो एसी वेंट्स है वो पूरे प्रॉपर कूलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। भाई मेरे यहाँ तो पूरे प्रॉपर कूलिंग कर रहे हैं। चलो एसी पूरा, और ये सारे बटन भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी सारे चेक करने हैं आपको। ये भी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, ये भी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे आपको ये जो चार्जिंग का दिया रहता है इसका वायर भी आपको आपके फ़ोन में चेक करके देखना है कि भाई ये भी वायर जो है पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, चार्जिंग फ़ोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी भी शायद से बनाने में फॉल्ट आ जाता है कि प्रॉब्लम आ जाती है कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए ये भी, ये चार्जिंग भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। उसके बाद बारी आती है इन्फो सिस्टम की। इन्फो सिस्टम में आपको ये जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट करना रहेगा, वो मैंने कर चुका हूँ। इसके कॉल लॉग्स आते हैं और कॉल लॉग्स, यहाँ पे कॉन्टेक्ट आता है, यहाँ पे फेवरेट आता है, यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले वो बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके ब्लूटूथ चालू करना है और ब्लूटूथ चालू करके आपको इसमें से गाने बजा देना है। अगर बास चेक करना हो तो आप कोई भी गाना बजा सकते हैं, जैसे मैं अभी बजा देता हूँ। ये पीछे बैठ के आपको सारे के सारे स्पीकर चेक कर लेना है। यहाँ से वॉल्यूम भी चेक करना है। वॉल्यूम का बटन वर्क कर रहा है, कर रहा है।
यहाँ से ये बटन भी चेक करना है मोड का कि सारे मोड वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे। चलो सब कुछ वर्क कर रहा है। अब आपको ये बटन से एंड्रॉयड ऑटो भी चला के दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको डायरेक्ट वायर को इसके साथ कनेक्ट किया। होम पे जाना है, एंड्रॉयड ऑटो ये भी वर्क कर रहा है प्रॉपर। उसके बाद ये ऊपर जो लाइट दी होती वो भी आपको चेक कर लेनी है, ये जो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद डिक्की भी चेक कर लेनी है। डिक्की के अंदर हमेशा फर्स्ट एड किट होनी ही चाहिए। अभी के टाइम पे सबके अंदर रिवर्स कैमरा आता है, यहाँ से इसको रिवर्स करके देख लेना कि पीछे कैमरा दिखा रहा है और कैमरा दिखा रहा है तो ये जो आड़ी अवड़ी लाइन हो रही है वो भी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अब देखो गाड़ी तो चलेगी, गाड़ी में उसमें तो कोई इशू होना नहीं है। यहाँ से ये देख लेना कि भाई ये बटन बंद करने के बाद वहाँ से ये वर्क कर रहा है कि मैंने बारी का बटन बंद कर दिया तो अब ये भी बटन मतलब ये नहीं खुलेगा ना तो बंद होगा। यहाँ से ये देख लेना कि ये वाला बटन भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हम जाते हैं डिक्की के पीछे। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके साथ यहाँ पे ये जो है जैक दिया है कि नहीं दिया है, उसके दो तीन टूल्स दिए कि नहीं दिए, आपको PDI के टाइम सब चीज़ का फोटो ले लेना है। यहाँ पे ये फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए और यहाँ पे वो ट्रायंगल का जो होता है जहाँ पर जब अपने गाड़ी पंचर हो जाती है वो भी आपको साथ में देता है, ये कंपलसरी है। और आज के टाइम पे ये गैस सिलेंडर भी देना कंपलसरी हो चुका है। जितने भी स्पीकर है आपको सारे के सारे चेक करने के सब के सब वर्किंग है कि नहीं है। ये आपको पूरा का पूरा टच सही से एकदम प्रॉपर चेक कर लेना है, कुछ भी खराबी हो वहां पे बोल सकते हैं। आपको ये जो सीट दिख रही है वो सीट को भी चेक कर लेना कि भाई ये ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ से ये ऐसे रिक्लाइन हो रही है कि नहीं हो रही है, दोनों सीटें चेक कर लेनी है। ये भी काम कर रहा है और ये आगे पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ये स्टेयरिंग जो है वो भी देखना है नीचे करके, ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे भी चेक करना है कि यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी सब बता रहा है कि नहीं बता रहा है, पूरा का पूरा जितने भी बटन है सब अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। और यहाँ से ये देख लीजिए ये सब ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यहाँ से सीट बेल्ट चेक कर लीजिए, सीट बेल्ट बंद करने के यहाँ पे सीट बेल्ट लॉक करने के बाद ये यहाँ पे जो साइन आ रहा है वो चला गया है। सेम टू सेम यहाँ पे भी जो लॉक करने के बाद यहाँ पे साइन आता है वो भी जाना चाहिए। आपका एयरबैग तभी ही वर्क करेगा तब आप दोनों टाइप की ये जो है सीट बेल्ट वो आप बांध लोगे तब। तो दोस्तों लगभग लगभग जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी सारी चेकिंग थी वो मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है। जितना मेरे से हुआ मैंने जितनी भी चेकिंग की थी वो फटाफट से मैंने जितना भी था सब धीरे धीरे करके सब कुछ कवर कर लिया है। और भी कुछ बाकी रहता है आप यूट्यूब पे और भी वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, टाइम मिलेगा वैसे मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा।